नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। मोदी सरकार द्वारा इस CST एक्ट पर आए फैसले के बाद देश भर में इस पर चर्चा जोरों पर है। इस एक्ट को लेकर शेर सिंह राणा ने सहारनपुर के शाकंभरी मंदिर से राष्ट्रीयवादी पदयात्रा शुरू की है, जो 16 सितंबर से शुरू होकर 28वें दिन जीवन पहुंची है तथा आगरा पर जाकर समाप्त होगी। शाकंभरी माता के मंदिर से 16 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुई है, जिसके संयोजक माननीय शेर सिंह राणा जी हैं और ये पदयात्रा सहारनपुर से आगरा तक जाएगी। इस यात्रा का मेन उद्देश्य है कि क्या नाम है, जो अभी SC ST एक्ट आया है, केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट एक नया कानून बना दिया है। तो ये जो आप यात्रा कर रहे हैं शेर सिंह राणा, इसके अलावा ये बताइए, क्या ये सक्रिय राजनीति में आने का इनका विचार नहीं? शेर सिंह राणा जी सक्रिय राजनीति में कभी नहीं आ सकते हैं। मतलब ये हमारे इंडियन लॉ में है कि अगर किसी भी इंसान को 3 साल अगर कैद हो गई है और उसको सजा मिल चुकी है तो वो कभी मतलब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं लड़ सकता। शेर सिंह राणा ने सरकार को धमकी दी है कि यदि केंद्र सरकार इस पर बड़ा फैसला नहीं लेती है तो करीब 20 लाख युवा राजधानी को घेर लेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बिना जांच के ही जो 80% देश की आबादी है उसको जेल भेजने की आपने तैयारी करवा दी। अगर कोई उनका अपमान करता है आप उसको जेल भेजिए, लेकिन अगर झूठी कंप्लेन कोई करता है और झूठे आरोप में देश की 80% आबादी जेल में जाती है तो उसके गुनहगार केंद्र सरकार है। जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाएगा तब तक हमारी जो ये यात्रा है, हमारा जो ये संघर्ष है, जारी रहेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम SC ST को अपना भाई मानते हैं, लेकिन जिस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वह राष्ट्रवादी सम्मान पद अधिकार यात्रा कर रहे हैं। यहां मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के दौरान यह बात कही। उनका मान सम्मान जाएगा, जो आदमी का जो धनराशि खर्च होगी उसका भुगतान कौन करेगा इस दुनिया में? तो इसी अन्याय के खिलाफ ये यात्रा है। हमें हरिजन एक्ट से कोई समस्या नहीं है, आप हरिजन एक्ट को रखिए, वो भी हमारे भाई है, अगर कोई उनका अपमान करता है उस। जेवर पहुंचने पर शेर सिंह राणा का उनके समर्थकों ने स्वागत किया तथा फूल मालाएं पहनाकर जेवर नगर में प्रवेश कराया। जेवर के चौराहे पर पहुंचकर वहां लगी महर्षि जाबाली जी की मूर्ति पर शेर सिंह राणा ने माल्यार्पण किया तथा उसके बाद अपने कार्यक्रम की ओर रवाना हुए, जहां उनके समर्थकों ने कार्यक्रम की व्यवस्था की थी। भाई ने जब ही अफगानिस्तान जाने की ठान ली, भाई पहले इंसान थे हिंदुस्तान की सरजमी पर जिसने तिहाड़ के दरवाजे तोड़ने का काम किया, नेपाल की सरहदें पार करी, बांग्लादेश की सरहदें पार करी और फिर अफगानिस्तान जाकर अंतिम हिंदू हृदय सम्राट की अस्थियां लाने का काम करा। शेर सिंह राणा ने कहा कि इस कार्यक्रम का अंत गाजियाबाद में एक विशाल सभा के रूप में होगा, जिसमें लगभग 10 से 15 लाख युवा लोग इकट्ठा होंगे तथा सरकार को इस कानून को बदलने के लिए मजबूर करेंगे। कपिल मांगरोल के साथ चंचल कुमार शर्मा की रिपोर्ट जेवर प्रेस के लिए।